आज हम बात करेंगे रेलवे के नए नियम के बारे में। भारतीय रेलवे आए दिन अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए नई नई सुविधाओं को जोड़ता रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यात्रा के दौरान अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको उसका बिल मिलेगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसके बनिस्पत यात्रियों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। किसी भी सामान के खरीदने के बदले IRCTC के ट्विटर पर कई ऐसे ट्वीट पड़े हैं जिसमें आपको इस तरह की शिकायतें देखने को मिल जाएगी। हालांकि बाद में रेलवे उन शिकायतों को दूर करता रहा है, यात्रियों की समस्याओं को समझता रहा है और उसे सुलझाने की भी कोशिश करता रहा है। हालांकि अब रेलवे ऐसी तरकीब पर काम कर रही है जिससे कि अब आप MRP पर कोई भी सामान खरीद सकते हैं, साथ ही साथ डिजिटली आप पैसे का भी लेन देन कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे में यात्रा के दौरान अगर आप खाना खाते हैं तो यात्रियों को अब बिल मिलेगा। IRCTC बहुत ही जल्द इस तरह की सुविधा बहाल करने जा रही है, जिसमें ट्रेन के अंदर जितने सामान बेचे जाएंगे उन सभी सामान का बिल देना वेंडर के लिए अनिवार्य होगा। अगर वो बिल नहीं दे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस नियम को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। यात्रा के दौरान MRP पर मिलेगा सामान। ट्रेन में यात्रा के दौरान पानी पीने के लिए जब आप रेल नीर खरीदते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी का पानी का बोतल खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है 15 रुपया, यानी कि वो उसकी कीमत है। रेलवे के बन रहे नए नियम के अनुसार आपको 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देना है। साथ ही साथ अगर आप चिप्स या फिर बिस्किट का कोई पैकेट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको MRP पर ही सामान लेना है। अगर कोई भी वेंडर ज़्यादा पैसा ले रहा है तो आप कंप्लेन करें। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि चाय अगर आप पीते हैं तो इसके लिए भी उन्हें बिल देना होगा। आने वाले दिनों में आपको IRCTC का रेट भी पता चल जाएगा, यानी कि नई रेट तय होने वाली है। बिल नहीं तो पेमेंट नहीं। रेलवे के नए नियम के अनुसार यह बताया गया है कि अगर वेंडर आपको खाना के दौरान पेमेंट बिल नहीं देता है तो आप उसे पेमेंट नहीं कीजिए। बता दें कि रेलवे में पहले भी राजधानी और शताब्दी के साथ ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें यह नियम लागू है, लेकिन अब उन सभी ट्रेनों में यह नियम लागू होने वाला है जिसमें पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यात्रियों की तरफ से लगातार आ रही शिकायतों के बाद से IRCTC ने यह फैसला लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि वेंडर यह तय राशि भी अधिक पैसे वसूली नहीं कर सकते, यानी कि जितना पैसा उस MRP में लिखा हुआ है उतना ही पैसा अब वेंडर लेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को सामान की कीमत कैश में चली आ रही व्यवस्था को अब धीरे धीरे कम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सभी ट्रेनों में डिजिटली पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भीम ऐप पेमेंट, गूगल ऐप सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए POS दी जाएगी। वो एक मशीन होगी जिसके तहत आप जो अपना कार्ड स्वाइप अप कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ट्रेन में जितनी वेंडर होंगे उतनी मशीनें होंगी, जिससे कि यात्रियों को पेमेंट के दौरान किसी तरह की कोई समस्या ना हो। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो रेलवे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के फैसले ले रही है, जिससे कि यात्रियों को आने वाले दिनों में यात्रा के दौरान इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, जैसा कि वर्तमान में यात्रियों को मूल्य से ज़्यादा पैसा यात्रा के दौरान चुकाना पड़ता है। ऐसा कि IRCTC की वेबसाइट पे इमेज के साथ आप साफ तौर पे कैप्शन में लिखा हुआ देख सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।